अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीम और आप देख रहे हो मोहम्मद अजीम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप व्हाट्सएप पर ऑटो रिप्लाई किस तरह से सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई फ्रेंड आपको मैसेज करता है और आप बिजी वगैरह हैं, तो आप उसको इस तरह से व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ट्रिक को जानने के लिए। तो ज़्यादा बढ़ नहीं करूँगा, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं किस तरह से व्हाट्सएप पर ऑटो रिप्लाई को सेट करना है। मेथड काफ़ी ज़्यादा ईजी है, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जब भी आप समझ पाओगे किस तरह से करना है। और उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है एंड आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है व्हाट्सएप ऑटो नाम की। इसका आप लोगो देख लो और इसको आप डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लो और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा अगर आप इसको फर्स्ट टाइम खोलोगे। और आपको यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो रिप्लाई ऑफ, इसको आप ऑन कर दो और फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये परमिशन वाले पेज पर ले जाएगा और आपको यहाँ पर सबसे नीचे क्लिक करके परमिशन इसके अलाउ कर दो बहुत ही आसानी से। और उसके बाद आपको अपना जो मैसेज सेंड करना है, जो ऑटो रिप्लाई के अंदर आपको अपना मैसेज लिखना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मैसेज सेट हुआ हुआ है, इसको आप कट करके अपना जो लिखना चाहो जो भी, वो आप यहाँ लिख सकते हो। मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, मतलब कि पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे चेक लगा दो, टिक कर दो और बस। उसके बाद ये आपका सेट हो गया और सेट होने के बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी, आपको ये इस तरह से ऊपर लिखा हुआ आएगा ऑटो रिप्लाई। आप इसको अगर डिसेबल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है एंड सेटिंग पर क्लिक करना है और जो येलो ऑप्शन है रिप्लाई हीडर, इस पर क्लिक करोगे, इसको आप ऑफ कर दो तो ये आपका दिखें, ये ऑटो रिप्लाई आपका अभी आ रहा है और जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे तो आपका ये नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऑटो रिप्लाई को सेट कर सकते हो। और आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद, यहाँ सेटिंग पर क्लिक करने के बाद, आप अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन की। और अगर आप रिप्लाई टैब पर क्लिक करते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई आपका पर्सन आपको मैसेज करे तो आप उसको ऑटो रिप्लाई इमीजिएटली सेंड करना चाहते हो तो आप इमीजिएटली पर चेक लगा दो। अगर आप चाहते हो कि 5 सेकंड या 2 सेकंड बाद रुक कर मेरा मैसेज सेंड हो, तो यहाँ पर आप टाइम सेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 सेकंड सेट कर लेता हूँ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और गाइस, मैं आपको विदाउट एप्लीकेशन भी ऑटो रिप्लाई सेट करना बता सकता था, बट उसके अंदर एक मसला है, जो आपकी व्हाट्सअप की ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके अंदर ये विदाउट एप्लीकेशन ऑटो रिप्लाई सेट नहीं होगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको विदाउट एप्लीकेशन करना है तो आपको GB व्हाट्सअप और ब्रिजिंग व्हाट्सअप डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई एक एप्लीकेशन इसमें से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इन दोनों एप्लीकेशन में अच्छी तरह से नहीं सेट हो पाता ऑटो रिप्लाई, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपको अपने व्हाट्सअप की ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर ही ऑटो रिप्लाई सेट करना है तो आप मेरा वाला मेथड ही ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ऑटो रिप्लाई सेट हो गया है, तो मैं आपको डेमो के लिए अपने दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल पर मैसेज करके दिखा देता हूँ तो ऑटो रिप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर मैसेज कर देता हूँ हाय का अपने दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल पर, और आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पर आएगा मैसेज आया, 1 सेकंड का टाइम लगाया था, तो 1 सेकंड बाद मैसेज सेंड हो गया। जैसे आएगा मैसेज आया मुझे, तो यहाँ से जो मैंने सेट किया था मेरा ऑटो रिप्लाई सेंड हो गया। इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपकी वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, वीडियो एक लाइक जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं इसी तरह टेक्स रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, किसी और न्यू टॉपिक के साथ। अपना अपने चैनल वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।